हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप यूजी सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और अगर आपने अभी तक अपना एडमिशन फ़ीस नहीं भरा है, तो किस प्रकार से आपको अपना एडमिशन फ़ीस भरना है और क्या लास्ट डेट है और कितना फ़ीस पेमेंट आपको करना होगा, तो चलिए आपको इस वीडियो में लाइव प्रोसेस और कम्प्लीट डिटेल्स के साथ दिखाने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको आना है गूगल पर। सर्च बार में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ई प्रिपेस। इतना आपको टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाएगी, ई प्रिपेस डॉट एम पी ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन। तो ई प्रिपेस की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने आ जाएगा ई प्रिपेस 2024-25 एडमिशन प्रोसेस। तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा स्टूडेंट प्रमोशन वाला ऑप्शन। तो इसमें आपको मिलेगा यूजी, एलएलबी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो यहाँ से आप फीस पेमेंट कर पाएंगे यूजी क्लासेस की, और यहाँ पर आप पीजी फाइनल ईयर की भी फ़ीस पेमेंट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर यूजी की करने वाले हैं, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा स्टूडेंट प्रमोशन यूजी, एलएलबी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो 18 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक आपको फ़ीस पेमेंट का लास्ट डेट रहेगा। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे फ़ीस भरने के लिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर फिल करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी के नाम शो कर जाएंगे, जैसे कि अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी। तो जिस भी यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं उसका आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे नाम। तो यहाँ पर अभी हम जीवाजी यूनिवर्सिटी का फिल करने वाले हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रमोटेड एडमिशन ईयर, तो अगर आपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम पास आउट किए हैं या फिर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आप दे चुके हैं और आप थर्ड ईयर में आ चुके हैं, तो आपको थर्ड ईयर सिलेक्ट करना होगा फ़ीस भरने के लिए, एडमिशन फ़ीस भरने के लिए। और अगर आप सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको सेकेंड ईयर में फ़ीस भरना होगा। तो अभी हम थर्ड ईयर में स्टूडेंट आ चुका है, तो उसका यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे थर्ड ईयर। इसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कैप्चा कोड शो करेगा, आपको टोटल करके आंसर वाले बॉक्स में फिल करना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको व्यू डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट का फ़ोटो आ जाएगा और यहाँ पर स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल आपके सामने शो कर जाएंगी। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो भी यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कॉलेज नेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ने जो भी सब्जेक्ट लिया है, जैसे कि बीए आर्ट्स यहाँ पर लिखा आ चुका है, और देखिए यहाँ पर थर्ड ईयर में स्टूडेंट आ चुका है तो यहाँ पर भी आ चुका है लिखा। अब आपको टोटल यहाँ पर 500 रुपये भरना होगा प्रवेश शुल्क, प्लस 30 रुपये पोर्टल चार्ज रहेगा, यानी कि जो कुल फीस यहाँ पर बताई गई है 530 रुपये आपको फिल करनी होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर घोषणा पत्र पर क्लिक करना है और प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ओके का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए ओके करना है। अब आपको पेमेंट ऑप्शन चूज करना होगा। आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी कर पाएंगे और यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे और यहाँ पर हम ऑल मेजर बैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी जिसे आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये आपको फ्यूचर रेफरेंस में काम आ सकती है। तो हम ओके करेंगे। आपके सामने यहाँ पर एक बार और कंफर्मेशन के लिए फ़ीस आ जाएगी, 530 रुपये आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर आप एक बार पेमेंट ऑप्शन चूज़ फिर से करेंगे, तो यहाँ पर हमने डेबिट कार्ड चूज़ कर लिया है। यहाँ पर कार्ड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी कोड और यहाँ पर कार्ड होल्डर का नेम। इसके बाद आपको मैक पेमेंट फॉर 530 रुपये आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और अपना एक OTP आएगा मोबाइल पर, तो OTP आपको वेरीफाई कर लेना है। तो जैसे ही आप OTP वेरीफाई कर लेते हैं, OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने फ़ीस स्लिप आ जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पर लिखा होगा भुगतान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है।